जी, जमीन में सो सो कर मेरी कमर में दर्द होने लगा है। भाग्यवान तो मैं क्या करूं? जाओ आज ही मेरे लिए बाजार से एक नया बेड लेकर आओ। तो मैं अकेला क्यों जाऊं? तुम भी चलो। ठीक है तो फिर चलो। भैया चलो बेड दिखाओ। ये सारे बेड रखे हैं, आप पसंद कर लो। देखो जी मुझे तो ये बेड पसंद है। ये बेड कितने का है? 25,000 का है। ओह नो! इतना महंगा लेकर क्या करोगी? चलो यहाँ से। अब मुझे तो पसंद आ गया है ये बेड, मैं लेकर ही जाऊंगी घर। अयोरिमा। ठीक है भाई, इस बेड को घर पहुँचा दो, नहीं तो चुड़ैल मेरे प्राण ले लेगी। अयोरिमा। हाँ ठीक है सर। क्यों मारा मुझे थप्पड़? पागल हो गई है क्या? ओह नो! सो जा और मुझे भी सोने दे। अब तूने मुझे क्यों मारा थप्पड़? भला मैं आपको क्यों मारूंगी, सो जाओ। हाँ भाभी जी, रात को आपके घर से बड़ी आवाजें आ रही थी। क्यों भाभी जी, आप रात भर टुकुर टुकुर हमारे घर को ही देखती हो क्या? ओह नो! चलती हूँ भाभी जी, मैं तो बस पूछने आई थी। क्यों मार रही हो मूर्ख औरत? मैंने कहा मारा? ये मेरा बेड है और मेरी परमिशन के बिना कैसे सो गए तुम दोनों? देखो जिन साहब, ये बेड हम बाजार से लेकर आए हैं। हाँ मेरी धर्म पत्नी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं इस बेड में कई वर्षों से सो रहा हूँ और तुम दोनों मेरे बेड में मजे से सो रहे हो। हाँ हाँ, ये बेड मेरा है। हे भगवान, हम कहाँ फंस गए? सुनो जी, हम क्यों ना इस बेड को कबाड़ी वाले को बेच दे। हाँ हाँ अच्छा आइडिया है। ओ भैया हमारे पास एक बेड है, इसे ले लो। हाँ बहन जी दे दो। बहन जी पैसे? हमें नहीं चाहिए। अजीब इंसान है। कबाड़ी वाला है, कबाड़ी दे दो। क्यों कबाड़ी वाले भैया, ये बेड कितने का दोगे? भाभी जी 5,000 का है। सिर्फ 5,000 में? मैं आपको 6,000 रुपए देती हूँ, ये बेड मुझे दे दो। आज तो मेरा दिन अच्छा था, आज तो मेरे फायदे ही फायदे हो गए। कबाड़ी वाला है, कबाड़ी दे दो। आज तो मैं इस बेड में आराम से सोऊंगी, 25,000 का बेड मुझे 6,000 में मिल गया। वाह मेरी होशियारी का जवाब नहीं। कौन है, कौन है? ये बेड मेरा है और मेरी परमिशन के बिना तू कैसे सो गई यहाँ? बचाओ बचाओ बचाओ।